हूँ दौड़ेगी दौड़ेगी उन नाजरीन ये देखे नंगा नशा करता हुआ लोगों को हदायत दे रहा ये देखे अल्लाह माफ करे नाउज बिल्ला टाइम असि कमीज लेके नु पावांगे लबो जी कमीज वाला को बंदा हम गुनाह करते हैं ये भी इस्लाम मना करता है। इस्लाम नहीं कहता कि औरत आके सड़कों पर सोए। इस्लाम नहीं कहता कि औरत नशा करे। इस्लाम नहीं कहता कि औरत नजायज बच्चे पैदा करे। जी नाजरीन हमारा काम आपको जराइम और बुराइयां दिखाना है, इसके ऊपर अमल दरामद करना स्टेट और हुकूमत का काम है, पंजाब हुकूमत का काम है, अदारों का काम है। जब अदारे मौजूद हो तो हम खुद कोई फैसला नहीं कर सकते। हमें किसी रेटिंग की जरूरत नहीं है, रेटिंग बढ़ाने वाले आप हैं। आपने फैसला करना है कि हमने एक्सपोज करना है तमाम बुराइयों को, हमने बुराइयों का खात्मा आपकी वजह से करना है। हम चाहते हैं कि हम कानून को हाथ में लिए बगैर यहाँ से तमाम जराइम पेशा अफराद का खात्मा करें, और ये तभी मुमकिन है जब आप तामन करेंगे, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर जराइम पेशा अफराद आते हैं, आकर उन्होंने अपनी माजगाहें बना ली हैं, वो दिन रात यहाँ पर रहते हैं, नशा पीते हैं, नशा करते हैं, फिर वो नशा बेचना शुरू हो जाते हैं, फिर वो जेब भी काटते हैं। बहुत सारे बेशुमार जहाँ पर जराइम हो रहे हैं नाजरीन। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि जहाँ पर सफाया किया जाए। ये लाहौर शहर का मेन मरकज है, मेन चौराहे हैं, यहाँ पर इसमें हमारी बदनामी भी हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्त एक्शन ले, पुलिस को चाहिए एक्शन ले और ज़्यादा से ज़्यादा जराइम को रोके। नाजरीन आपके तमाम सवालों के जवाब लेना हमारा काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो औरतें यहाँ पर सो रही हैं, ये औरतें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, कैमरा घुमाओ जी पीछे, थल्ले भी तो पीछे भी घुमाना। ये जो औरतें खड़ी हुई हैं, ये जो औरतें बैठी हुई हैं, जो लोग भगा के औरतें रात को मर्दों में सोती हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, गलत बात है। बहुत जुर्म में गए, घुमन होना चाहिए, घुमन करना चाहिए ना। ये किसने रोकने जुराए? घुमन ने। जहाँ पर लोग औरतें नशा करती हैं, शराबे पीती हैं, जुए खेलती हैं, मर्दों में सोती हैं, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या क्या इस्लाम के बारे में गुफ्तगू पे होता होती है, जाहिर है जहाँ पर तजाली फितरे भी मौजूद होंगे, तो इसको किसने रोकना है? क्या हुकूमत ने रोकना और किसने रोकना है? क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को करना चाहिए, उन्हें सफाई दे देना चाहिए, इनको पकड़ के गिरफ्तार करना चाहिए, गिरफ्तार करना, इस्लाम के मुताबिक इनको सजाएं देनी चाहिए, सजाएं देनी चाहिए। ये हुकूमत का काम है, आपका और मेरा काम तो नहीं। नहीं नहीं, हमने बुरे को बुरा कहना है, अच्छे को अच्छा कहना है, हमने तो दिखाना है। आप क्या कहेंगे कि मीडिया का क्या काम होना चाहिए? मीडिया काम हो जाए, जो बताना होता है, हुकूमत को पता लगे होना चाहिए। जहाँ पर ये बुराइयां हो रही हैं, जहाँ पर तजाली फितने हैं, हमारा काम है सवाल करना, जवाब देना आपका काम है, और जो आप अपने राय दे रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन होगा? वो हुकूमत होगी। हुकूमत नहीं, आप होंगे अगर आप कोई गलत बात करते हैं या इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, और अगर कोई करता है तो उसको उसके मुताबिक सजा भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? बात सही था, कहने हुकूमत पढ़ के सजा देनी चाहिए इसको, हुकूमत जी करना चाहिए, आप करिए साढ़े से लोग कहेंगे कि आपने कर दिया, ये आपका जिम्मेदार है, लिहाजा इससे पहले कि कोई आवाम इसमें एक्शन ले, हुकूमत को खुद चाहिए कि वो एक्शन ले और इन तमाम जराइम पेशा अफराद को पकड़ के जेल में डाले या इनको इनको घरों में भेज दे, और कोई पैगाम देना चाहिए? बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जोड़ देते हैं खर्चा लेके। कौन? ये पुलिस वाले। पुलिस वाले ने कंप्लेन कही है? हाँ जी, ये होने जान गए अधे घंटे बाद, पुलिस वाले इन्होंने को पैसे लैके इन्हों छड़ छुड़ दे। अच्छा, वो आप इन्हों को नशा बकवाते हैं? चौके देना मुआशरा वेख के गंदा हो जाता जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसा की आपने देखा है ये जराइम की माजगा बन चुकी है, यहाँ पर फिल फोर बगैर किसी टाइम जाया किए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, इन तमाम जराइम का खात्मा करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। हमारा काम आपको दिखाना है कि क्या क्या गुनाह हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे इस्लाम की मुखालफ बातें हो रही हैं। ये जो हम गुनाह करते हैं ये भी इस्लाम मना करता है। इस्लाम नहीं कहता कि औरत आके सड़कों पर सोए। इस्लाम नहीं कहता कि औरत नशा करे। इस्लाम नहीं कहता कि औरत नजायज बच्चे पैदा करे। इस्लाम नहीं कहता कि यहाँ पर रात को मर्दों के साथ बीच में सड़े आम सोए औरत।
ये इस्लाम हमारा नहीं है, हमारा इस्लाम हमारे आका ने हमें 1400 साल पहले बता दिया था, साफ सुथरा दीन है हमारा इस्लाम। हमारा इस्लाम प्यार बांटता है, अमन का अमन बांटता है, अमन का गहवारा है। हमें गालियां देने वाले को इस्लाम कहता है प्यार से पेश आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारने वाले को आप शफकत से पेश आते थे, कूड़ा फेंकने वालों को भी शफकत से पेश आते थे। नाज़रीन दौड़ेगी दौड़ेगी उन्हें, ये देखे जी भागने लगी है औरत, ये देखो जराइम, ये जराइम करो जरा, तुम चस्के लगा रहे हो, माइक पे बोलो, माइक पे बोलो, वो अच्छी वीडियो बन रही थी यार। इसी के साथ अपने उसको इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर हाजिर होते हैं। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।